हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग्स। गाइस, आज मैं आलू का पराठा बनाने जा रहे थे। आलू मैं ऐसे पांच छः हाँ छः आलू उबाल लिया था, तो तीन इधर हैं, तीन बचा दिया है मैंने, और तीन मैंने पील करके मैश कर लिया है। इसमें मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला और हल्दी और लाल मिर्च और धनिया ऐसे करके मिक्स करके रखी हूँ गाइस, मतलब मैश कर लिया मैंने। मैं तो उसमें आलू पीलते समय मैं वीडियो स्किप कर दिया है। तो ये आलू पराठा के लिए ये रेडी हो गया। नमक ये सब डाल के और छोटा थोड़ा सा हींग डाली थी मैंने। तो गाइस ये रेडी है, अभी मैं बनाती हूँ, तब दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखते रहिएगा गाइस, मैं कैसे बनाती हूँ दिखाती हूँ गाइस। सो मैंने तवा चढ़ा दिया है, तवा चढ़ा दिया, अभी मैं वो बना रही हूँ। सो देखते रहिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। मैं इसमें शेल्फ में बनाऊंगी। जब से मैं रोटी वोटी सेल्फ में बनाने लगे ना, तो मैं भी यूट्यूब बनाती हूँ आजकल। सो ये है घी, मैं घी यूज कर रही हूँ। आटा के अंदर यहाँ पे अंदर तक, फिर इसमें स्टफिंग डालूंगी। हाथ से सेट कर लेता हूँ इसको, फिर इसके बाद करूँगी। फिर एकदम लाइट हाथों से ना इसको बेलना है, क्योंकि अंदर स्टफिंग है। तो इसमें तवा पे ना हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, ऑयल में घी लगाया मैंने, हल्का सा ऑयल ज़्यादा ही हो गया इसमें। सो मैं चिमनी ऑन करती हूँ, थोड़ा आवाज़ आएगी गाइस। पराठा
हल्का हो गया है तो थोड़ा मैश कर सकते हो ऐसे ऐसे ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा दबा दो, आलू आलू निकाल जा रहे हैं, स्टफिंग निकाल जा रहे हैं साइड से। सो थोड़ा सा निकालने से कुछ नहीं होता है गाइस। पराठा कभी कभार ही बनाती हूँ, तो पराठा जो है बहुत हैवी नाश्ता हो जाती है। सो आज मेरे हस्बैंड को पराठा खाने का मन था आलू का, मैं आलू उबाल कर रखती हूँ, मतलब आलू उबाल कर रखते मैं पराठा ही बना दूँ। मैं एक्चुअली ये मेरा आलू थोड़ी उबाल के रखती थी लेकिन पराठा ही बना दिया मैंने, बचा के रखती हूँ तीन आलू उसी से बनाऊँगी। हमारी छोटा सा फैमिली है तो उसी से हो जाएगा तीन आलू से।
मिश्री डाल दिए हैं, तेल में फ्राइज और पकौड़े का। गाइस मेरे पास गीली वाली अचार नहीं है, तो मैं मैंगो ये ना गाँव से लाई है, तो इसके साथ चाय दूंगी मैं इसके साथ। सो उसके लिए मेरे हस्बैंड लेके चला गया, तो अपने आप लेके चला गया। मैं चाय गर्म करके लेके जाती हूँ। खाएंगे, बाकी दो बना देता हूँ, ऑफिस लेके जाएगा। चाय में चीनी बहुत कम हो गया है, थोड़ा सा डाल दूँ, ज़्यादा कम भी सुबह के समय चाय ठीक नहीं होता है, थोड़ा सा चीनी डाल दूँ चाय में। अभी मैं धीमी आग से बना रही हूँ पराठा को, तो इसलिए मैं इसे रखी हूँ गाइस, हाई फायर पे नहीं है। तब मैं मेरे हस्बैंड को चाय दे के आती हूँ मैं। सो ऐसे रहिएगा, ये रखी पक रही है। गाइस मैं आ गया है, अभी हाई फायर पे कर दिया मैंने। हाई फायर में बना देती हूँ, ताकि ये ऑफिस में लेके जाएगा। एक ये हो गया और एक बना देती हूँ मैं। अभी ऐसे ना धीरे धीरे से थोड़ा सा ठीक हो गया, तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे दबा सकते हैं, अभी इतना फटने का चांसेस नहीं होते। कच्चा तब पक्का नहीं रहता ना, तब टूटने में वो लगता है, थोड़ा सा डर लगता है। डाल के पकाते हैं अभी।
आलू का पराठा है। अरे कोई हाथ गंदा है, तू खुद ही करो, खुद ही करने का सीखो। खुलो, दो पीछे से दबाओ, मेरा बेटा आके तंग कर रहा है इसमें, मेरे हाथ दोनों गंदा हो रखी है, गंदा मीन्स आटा आटा लगी है, फिर समर नहीं छूटना, अभी बहुत दिन लगाओ, ये ज़्यादा ज़्यादा ब्राउन हो गया है। साइड रख बेटा, साइड रख, अरे किचन में ना तंग मत किया करो, ठीक है, तू खुद ही खेल ले, तू खुद ही बना लिया करो उसको। ये देखा वन पराठा बन गया है इधर, ये और एक तो मैंने पहले ही नहीं किया, इधर ले देता है बेटा, गरम इससे लग जाएगा, साइड हो जाओ, अभी अभी लगा देता हूँ, मामा फ्री होके लगा देता हूँ, उधर हो जाओ, ओके, मामा ने क्या बोला सुना, मामा ने क्या बोला सुनाई दिया तेरे को, हाँ मामा फ्री होके लगा देता हूँ अभी तेरे को उसमें, ठीक है, ये जल्दी जल्दी बना देता, अभी पापा ऑफिस जाएगा ना, आटा जो सूखा है ना, ये इसको मैं एक सूखे कपड़ा से साफ कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा घी जो पहले बचा के रखी थी वो फिर से डाल दिया मैंने, थोड़ा सूखा सूखा ना लगे, डाल दिया, आलू से चार ही पराठे बन गए, एक मेरे हस्बैंड खा रही है तो वो बन धो लेके जाएगा, एक निमान के लिए हो गया, निमान भी फिनिश नहीं करेगा, पीछे करके अच्छे से कुक कर लेती हूँ, फिर जब हल्का सा ब्राउन होने लगते हैं ना, तब मैं जाके थोड़ा लो फायर कर देती हूँ, इसको पलट देती हूँ, मेरा पलट दिया,
बाहर हो जाऊँ। किचन पे गर्म है ना, पटेटों से स्टफिंग भर भर के बनाया है, चार पराठा बनी है और ये जो दो प्लेन आटा बची है ये मैं प्लेन पराठा बनाती हूँ। इधर से ब्राउन हो गया ना, सो मैं घी लगाना शुरू कर दिया। फायर को हाई है, इसको मैं घी को गिरा के फिर इस तरफ भी कर नीचे भी सेक रहेगा और ये सेक रहेगा। बन रहा है ना, यहाँ पे छोटा सा होल हो गया इसीलिए होल नहीं खुल रहा है, जितना खुलना है खुल रहा है अभी। सो ये बिल्कुल रेडी है, और भी है लेकिन आटा नहीं है सो मैं स्टफिंग नहीं बना रही हूँ। ज़्यादा आटा आता तो स्टफिंग बना के और दोबारा बना सकता था, लेकिन आटा भी जितना बनेगी उतना ही नहीं है। इसको हाई कर दिया हमने, हाई करके पका रहे हैं। आटा तवा पे रहता है ना वो सब लग जाती है, इसलिए मैं तवा साफ कर दिया करती हूँ।
सीधे रहेगी, उधर से पकती रहेगी। ज़्यादा भी वो नहीं करना है हमें, साइज से भी पक गया ना, तो इसमें ऐसा पराठा एक ही बार डालती हूँ, पीछे दोनों तरफ हो गया ना ये। पराठा रेडी है, थोड़ा थोड़ा स्टफिंग बाहर भी आ गया, कोई नहीं गाइस, थोड़ा थोड़ा आने से कुछ नहीं होती है, थोड़ा तो आ ही जाता है। सो गाइस इधर है और रेडी हो गया पराठा तीन। सो अभी जो है इसको साफ करते हैं, देखो सूखा वाला आटा है ना। सो ये है प्लेन, है प्लेन पराठा है, अजवाइन अजवाइन डाल के बनाई हूँ। गाइस मैंने आटे पे अंडा डाली थी, दो अंडा और अजवाइन नमक डाल के सना था, मैंने सनी थी भी आटा में अंडा है। आज भी भर भर के बन रहा है पराठा, तो बन रहा है। आज गुजिया फिर से बनाने का सोच रही थी, लेकिन आज नहीं बनाऊंगी, कल ही बनाऊंगी, कल गुड फ्राइडे भी है, सो कल ही बना दूंगी मीठा घर पे, फ्राइडे को गुड फ्राइडे के लिए बनाऊंगी। सामान तो रेडी है, स्टफिंग वगैरह भी बना के है, होली में बना के बचा हुआ है, फ्रिज में कंटेनर पे रखा हुआ वो। सो स्टफिंग सर कुछ नहीं बनानी है, बस आटा सान के डो बना के सिर्फ बनाना है, मतलब तेल भी सब रेडी है सब कुछ। उसमें दूजों में थोड़ा सा मीठा कम हो गया था, तो हम तो अपने मीठा कम भी बनाया था, मैं इस बार
और चीनी डाल के और मीठा बनाऊंगी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग्स। बाय बाय।